ब्लॉक ऑफ मास पॉइंट जीरो फाइव किलोग्राम ऑसिलेट ऑन ए स्प्रिंगली स्प्रिंग ब्लॉक का मासन है एम इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो किलोग्राम स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट या फोर्स कॉन्स्टेंट हमें गिवन है दट इज फाइव हंड्रेड न्यूटन पर मीटर एम्पलीट्यूड ओसिलेशन इज गिवन टू अस दट इज फोर सेंटीमीटर या फोर बाई हंड्रेड मीटर कैलकुलेट मैक्म स्पीड ऑफ द ब्लॉक सपोज दिस ब्लॉक इज डूइंग ओसिलेशन फ्रॉम एक्सट्रीम टू मेन पोजिशन देन अगेन टू द एक्सट्रीम पोजिशन दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन लेट आई से दिस डिसमेंट एंड वी नो इट इज एम्पलीट्यूड ए सो यहाँ पे जो हो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी मेन पोजिशन पर आके पूरी पोटेंशियल एनर्जी कान्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यानी टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट पी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू और जो पी पे एनर्जी होगी वो केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी हाफ के ए स्क्वायर और जो क्यू पे एनर्जी क्यों होगी ओनली कारंटिक एनर्जी होगी दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर दट इज द वी मैक्स स्क्वायर बिकॉज इट इज द स्पीड द मिनिमम पोजिशन मीन पोजिशन अब यहाँ से हम लोग वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वी मैक्स इज गिवन बाई रूट के ए स्क्वायर अपॉन एम के वैल्यू पुट करो दैट इज रूट फाइव हंड्रेड इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर जी हम लोग क्या लिखेंगे फोर फोर जिक्सटीन अपॉन वन हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड और मास की वैल्यू क्या लिखोगे फाइव बाई हंड्रेड यानी मास विलई हंड्रेड नो यू विल कैलकुलेट फाइव हंड्रेड तो यहां से चला गया हंड्रेड यहाँ से चला गया तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वी मैक्स इज गिवन बाई फोर मीटर पर सेकेंड तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज फोर मीटर पर सेकेंड